तो आज हमारे साथ में खुशी मौर्या है कि यहाँ पे हमारी कोचिंग की जूनियर क्लास स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे क्लास टेंथ का साइंस का एक न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है, ये इतना कैपेबल है कि क्लास टेंथ के साइंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकती है। तो आज हम लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देखेंगे क्या ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। तो खुशी क्या आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो? तो आपको लाउडली बोलना है, बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट फील हेजिटेट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये मार्कर ले लीजिए, तेज़ बोलना है आपको। हमें इस फिगर में ये चीजें याद करनी है। तो पहला चीज है ए और बी के बीच प्रतिरोध, हमें यहाँ से और यहाँ इनके बीच का प्रतिरोध याद करना है। तो ये और ये 4 ओम और 2 ओम ये श्रेणी क्रम में है, इसे हम जोड़ेंगे और ये वाला और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसे भी हम जोड़ लेंगे R1 + R2। बेटा समांतर क्रम में क्यों है? क्योंकि एक वायर से एक वायर इधर निकला है और एक वायर इधर निकला है, तो ये समांतर क्रम में है। 1/R1 = 6 + R2 = 3। इसे जोड़ने पर हमें मिलेगा 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा, हमें इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा बतानी है। तो I = V/R, V की वैल्यू है 10 वोल्ट और R की वैल्यू हमने ए और बी के बीच निकाला था रेजिस्टेंस 2 और यहाँ पर 3 ओम है, तो हम इसे जोड़ लेंगे R2 = R1 + R2। R1 = 2 और R2 = 3, तो R2 = 5, तो R की वैल्यू हो जाएगी 5। I की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट 2 एम्पियर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। करेंगे आप तीसरा क्वेश्चन। साइड में सॉल्व कर लो बेटा, साइड में। तीसरा क्वेश्चन है ए और बी के बीच विभवांतर, हमें ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। I की वैल्यू है 2 एम्पियर और R की वैल्यू है 2, तो हमारा वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पूछा है 3 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर, ये हमारा 3 ओम, इसका विभवांतर ज्ञात करना है। तो V = I R, I की वैल्यू तो हमारे पास 2 और रेजिस्टेंस है 3 6
पी की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट। ये हमारा निवेश का कंप्लीट है। थैंक यू थैंक यू, वाओ एक्सीलेंट, देते क्लैपिंग करो भाई सब लोग, बहुत बढ़िया, वाह बहुत ये लड़का है, वाह मजा ही आ गया।